दुखी मन मेरा शैतान दुखी मन मेरा। बेटा तुम्हारे सूजन है, आपके सूजन भी है, आपके सूजन है पेड़ों पे, डॉक्टरों ने बताई नहीं बताई, सूजन के लक्षण भी बता दे रहा हूँ। देखो तुम्हारे और एक ये लाली के पीली साड़ी वाली के, तुम दोनों के क्या है कि पेड़ों में कांटा चुभता, मीठा मीठा दर्द होता है कभी कभार, ठीक है, ये सूजन के लक्षण हैं। तो सूजन की वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो बैठा है इसको नियम बूझ के जाना, ठीक है, और उपाय बूझ लेना जो भी है, भभूति बता देगा ये, उस भभूति को रात को ऐसे लगा के और जय बाबा की जय माता करके पेड़ों पे लगाना है, पूरे शरीर पे लगाना है, ठीक है, जाओ। चलो भैया, अरे हो बिन संतान दुखी मन मेरा, 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 हो बाबा लिया सहारा तेरा, बाबा लिया सहारा तेरा, बाबा लिया सहारा तेरा, बाबा लिया सहारा, कितने दिन हो गए तेरी शादी को? 18-19 साल में। चेकअप में क्या अनसेकी में कमी आ रही है? किसकी? पहले तो नॉर्मल नहीं थी, है? सही बता, छिपावे मत ना बाबा जी से। जब पहले जो आ रही थी, पहले चेकअप में तुम्हारे कीटाणु उसके कीटाणुओं को नष्ट कर रही थी, ये बीमारी आ रही थी, इस वजह से काम नहीं बन रहा था तुम्हारा, और अब सूजन आ रही है तेरे, ठीक है। तो जो उपाय बताए उनका पालन अगर तुम करोगे तो मैं गारंटी लूँगा, ये नहीं है कि भाई मैंने भोग बता दिया तो उन्होंने सोच लिया भाई अब जाके क्या करेंगे, क्योंकि मैंने पीछे देखा जिन बहन बेटियों को फल दिए थे वो भोग लगवाने भी नहीं आई हैं। हाँ मैं पहले बता रहा हूँ, देखो कर्म जो बताया जा रहा है उसका पालन तुम लोगों को करना है, लाभ ना मिले तो मुझे भी पकड़ो, मैं उसको पकड़ूंगा, मुझे मौका तो दो, ठीक है, जाओ। चल भैया, बिन संतान दुखी मन मेरा, बिन संतान दुखी मन मेरा, बाबा लिया सहारा तेरा, बाबा लिया सहारा तेरा। अरे तू कहाँ से वाला ले, क्या बच्चे हैं तो पे है? दो लड़की है ना, हाँ क्योंकि तोरे पर तो बच्चे हैं, जब तो बाबा जी कह रहा है, बोलिए तो ना। बिन संतान दुखी मन मेरा, बिन संतान दुखी मन मेरा, ओ बाबा लिया सहारा तेरा, बाबा लिया सहारा तेरा, ओ बिना पुत्र के गोरिया तेरा, बिना पुत्र के गोरिया तेरा, ओ जीवन दुख नल में जब पानी होगा जब ही तो गड्ढे में भरेगा, समझ रही है, जा माता टेक ले। बोल भैया, कंट्रोल करो उस पे अब, जब ही कामयाब है। चलो भैया, करके आज शरण तेरी आई, करके आज शरण तेरी आई, हो करके आज शरण तेरी आई, करके आज शरण तेरी आई, हो बाबा मेरी करो सहाई, बाबा मेरी करो सहाई, हो बाबा मेरी करो सहाई, बाबा मेरी करो सहाई, हो दुखिया ने झोली। देखो भैया, इस लाली के काम में टाइम लगेगा, क्योंकि इसके सूजन भी आई हुई है, इसको सपने भी अच्छे नहीं आते, ठीक है, इसको बहुत दिक्कत है इस लड़की को, तो इसका ट्रीटमेंट नियम और दवा दोनों चलेंगी, ऐसा नहीं है कि खाली मेरे नियम के पीछे रह जाओ और दवाई ना दिलाओ, जहाँ दवा की ज़रूरत होती है वहाँ दवाई बताता हूँ, और जहाँ दुआ की ज़रूरत है वहाँ दुआ से काम कर देता हूँ, ठीक है बेटा, क्योंकि तुम्हारे सूजन भी है, टांगों में हड़कल भी रहती है, ठीक है, बहुत दिक्कत है इसे, ठीक है भैया, तो इसकी दवाई भी बूझना और इसके उपाय भी बूझ लेना। चलो भैया,
हो बाबा जी तेरे दर पे मैं आई, मेरी लाज रखो। लोगों तो मैं दे चुका हूँ। अच्छा चल कर बाबा जी तेरे दर पे मैं आई, मेरी लाज रखो तब मैं तारी। बाबा जी तेरे दर पे मैं आई, मेरी लाज रखो तब मैं तारी। एक पोत दे दो तब तारी, एक पोत दे दो तब तारी, एक पोत दे दो तब तारी। एक पोत कितने दिन हो गए तुम्हें? एक भी बच्चा नहीं हुआ? क्यों, कई बार गड़बड़ तो हुई एक बार है? तो फिर जब ही क्यों नहीं ट्रीटमेंट कराया तुमने अपना? अच्छा क्या बता रहे हैं डॉक्टर? नॉर्मल चल रहा है। जब हमारे अंदर कोई रोग नहीं है तो फिर दवाई काहे की खाई जा रही है? भाई इस समझदारी की बात है, जब रिपोर्ट भी तुम नॉर्मल दे रहे हो हमारी और हमें दवाई भी दे रहे हो, यानी कि हमारे अंदर एक खुश्की और पैदा कर रहे हो जिससे कि सूजन बन जाए। खुश्की सूजन बनती है। जब लड़का संकुलेशन नहीं होगा तो सूजन है, और सूजन के लक्षण ये हैं कि हमारे कभी भी कांटा चुभ जाए, मीठा मीठा दर्द हो जाए, ये भारी पंचा हमें रहता है, ये दिक्कत तुम्हें रहती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम जैसे सो रहे हैं तो ऐसे उछल जाते हैं। क्यों उछलते हैं? क्योंकि हम जब रोग नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन वैसा रोग है आपके अंदर, इस वजह से आपके कामों में दिक्कत है। ठीक है भैया, नियम का पालन करना, कार्य बनेगा। चलो जी। अरे बाज कहा थे मैं दुखियारी, बाज कहा मैं दुखियारे, बाज कहा थे मैं दुखियारी, बाज कहा। तू पहले भी आई थी? हाँ पहली बार आई है। कहाँ से आई है? हैं? यू कहाँ पे? मीनू। अच्छा ओ, ये तीन जो लड़के हुए तो तुम भी ने भी सोची चलो भाई हम भी देख लें, हैं? अच्छा ये बताइए, अबसु पहले किसका भगत का हाथ चला हा तुमसु? तो तुम्हारी कोक बंदी बताई थी किसी ने, हैं? अरे बीबी कैसे तुम, ये इसको फल देना है? है तेरी पुकार चल रही है कुछ और तुम बीच में ऐसे, तो वो तो कोक अब भी बंदी हुई है, फिर खुलेगी कैसे? क्योंकि पता ना क्या गांठ मारी है कोक में, जेबड़ी सी तो बांधे हैं कोक है? और गड़न पे पाँव किसने बताया? तुम्हारा पाँव भी पड़ा हुआ है ये भी तो बताया? बताया याद ना, मैं तो याद भी दिवा दूंगा। अब दोनों काम तेरे साथ हो रहे हैं, कोक भी बन रही है, जेबड़ी कौन सी है, प्लास्टिक की ही या सिल्वर की ही, उसको पूछ कान आपकी बार। नु भैया तू जेबड़ी और बता दे कौन सी से कोक बंदी, हवा चल रही है कोई बांध के दिखा देना। अरे भैया नु मेरे परिवार के और सब के कहूँ जो मेरा ही पैर पड़ा तो तुम मुझे पहले ही बताए थे उस रस्ते को मुझे मैं ना जाती, पाँव तो ना पड़ता मेरा। जब नाचना आवे ना तो आंगन टेढ़ा जरूर बता दो, ना तेरी कोक बंदी हुई है ना तेरा गलत जगह पैर पड़ा हुआ है। ठीक है, दवा की भी जरूरत है तुझे और दुआ की भी जरूरत है, कामयाबी मिल जाएगी। चलो भैया।